हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स का अड्डा। आज आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। इसमें भी हम दो केस की बात करेंगे। पहला, जब डायरेक्शन करंट की क्या होगी, सेम जैसे अगर ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आईवन करंट फ्लो हो रही है, तो दूसरा वायर जो उसके पैरेलल रखा है, उन दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। और अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, तो दूसरे केस में क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अपोजिट में क्या होगा, अगर एक वायर है जिसमें आई वन करंट फ्लो हो रही है तो, और दूसरा वायर आई टू करंट फ्लो हो रही है जिसमें, लेकिन उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसके जस्ट अपोजिट। एक में सेम है और एक में अपोजिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब करंट में, जब दोनों वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इसमें आई वन है, एक मैंने वायर ले लिया ए और बी जिसकी लेंथ है एल, ठीक है। दूसरा वायर मैंने ले लिया सी एन डी जिसकी भी लेंथ क्या है, एल है। इसमें आई वन करंट फ्लो हो रही है और इसमें आई टू करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। दोनों वायर जो है वो किस पर रखे हैं, आर डिस्टेंस में, दूरी पे क्या कर रखे हैं, रखे हैं। तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी स्टडी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक बार मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखूंगा और एक बार क्या करूंगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखूंगा। तो देखिए, ये वायर है आई वन एल जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई वन, ठीक है। इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी कहां को होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। इस वायर को के मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या कर रख दिया, एक दूसरा वायर रख दिया जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई टू, और इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, दैट इज आर। अब आप देखिए यहां पर आई टू करंट क्या फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है। इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जब मैं किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो जो I1 का मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं उसके लिए फॉर्मूला लिखी तो वो B1 हो जाएगा, एंड देन B1 इज इक्वल टू, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट I, अब यहां पे I1 करंट है, तो I1 अपॉन 2 पाई R। अब मैंने ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इसकी वजह से एक फोर्स एग्जर्ट होगा। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो अगर मैं अप्लाई करूं तो देखिए करंट, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये मेरा राइट लेफ्ट हैंड है, जो मेरा थंब है उसको करेगा फोर्स की डायरेक्शन, जो मेरा ये फिंगर है दैट इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम बोलते हैं एफ बी आई। ओके, अगर मैं ये रूल यहां पर अप्लाई करूं तो देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां को है, अंदर की तरफ है, ठीक। करंट की डायरेक्शन कहां को है, ऊपर की तरफ। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। तो अगर ये रूल यहां पर मैं अप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को है, अंदर को। करंट की डायरेक्शन कहां को है, ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां को हो रही है, इधर को, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बनाऊं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कहां की तरफ होगी, और ये फोर्स कितना होगा, F2, क्योंकि ये किसकी वजह से फोर्स आ रहा है, वायर 2 की वजह से। तो ये फोर्स कितना होगा वो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर निकाल सकता हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पता है, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो यहां पर करंट किसकी वजह से है, किस वायर की वजह से है, आई टू की वजह से यहां पर फोर्स है, ठीक है। तो आई टू, और इसकी लेंथ क्या है, एल, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो I2 L B1 की वैल्यू यहां से पुट करूं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। और अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा इसी में लेता हूं। अब मेरे पास है वो वायर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, इसका मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके चारों तरफ होगा, ठीक। तो फिर यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, थंब रूल लगाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां को होगी, यहां को बाहर की तरफ, और यहां कहां की तरफ होगी, अंदर की तरफ। अब मैंने क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया, वायर रख दिया जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई वन करंट फ्लो हो रही है। अब किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैं अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है। इसमें भी मैं क्या लगाऊंगा, फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल। तो वो देखिए कैसे लगेगा,
अब आप देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो बाहर को है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो क्या होगा, देखिए ये मेरा हो गया आपका करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं आई वन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है बाहर की तरफ, और तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी इधर की तरफ। तो अगर मैं बोलूं आप देख सकते हैं एक बार फिर से, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बी टू कहां को है बाहर को, और जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां को हो रही है आपकी देख सकते हैं आप इजीली यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज इधर। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्योंकि आई वन इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से फोर्स होगा वो कितना होगा एफ वन फ्लो फोर्स फ्लो। तो देखिए अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कितना होगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर होगा, उसकी वजह से फोर्स एफ वन एग्जर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। अब देखिए यहां पर दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम है, लेकिन आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन इधर को है और इसकी डायरेक्शन क्या है इधर को है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो देखिए कैसे हमें एक डायग्राम मिलता है। तो देखिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आप देख सकते हैं देखिए फोर्स F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है। अगर मैं यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो इसको L से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू पॉइंट टू पाई आर। लेकिन देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन जब आप फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो देख सकते हैं दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है तो फ्रॉम डायग्राम ये क्लियर है कि जो फोर्स है वो एक दूसरे की तरफ जा रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि दो भी अगर करंट की डायरेक्शन सेम है ठीक है तो इस केस में जो फोर्स का जो नेचर होगा क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है इसमें एक फोर्स का नेचर पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन उसके साथ जो पूछा जाता है वो डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। देखिए हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या है एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। अब मुझे क्या डिफाइन करना है वन एम्पियर ऑफ करंट। अगर अब मैं सपोज करूं आई वन और आई टू की वैल्यू क्या है वन एम्पियर ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बोला वन मीटर है, तो मुझे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी म्यू नॉट इंटू वन अपॉन टू पाई इंटू आर। अब आर भी वन हो गया तो क्या मिलेगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है एन की पावर माइनस सेवन। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं म्यू नॉट अपॉन टू पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसकी हेल्प से वन एम्पियर करंट को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर दो करंट कैरिंग वायर में वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी कब, जब उनको मैंने वन मीटर की डिस्टेंस में रखा हुआ हो और उन दोनों के बीच अगर टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन पर यूनिट लेंथ का फोर्स अगर वहां पर लग रहा हो तो उस वायर में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी वन एम्पियर ऑफ करंट होगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरा नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।